विहिप नेता के पिता पर जानलेवा हमला, दबंगों ने मारी गोली, घायल। जिला बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र गांव सिथौरा में बजरंग दल जिला सह संयोजक अमित सिंह कनौजिया के पिता पुष्पेंद्र कनौजिया पुत्र जमुना प्रसाद अपने खेत में काम कर रहे थे कि अचानक हथियारों से लैस दबंगों ने लगभग रात्रि 10 बजे जानलेवा हमला कर गोली मार दी, जिससे पुष्पेंद्र कनौजिया गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर पड़े। कुछ ही देर में गोली लगने से खून से लथपथ हो गए। जैसे ही उनके पुत्र अमित सिंह गोली लगने की घटना का पता लगा तो भागकर खेत पर पहुंचे और अपने पिता पुष्पेंद्र कनौजिया को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर वरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा ऑपरेशन कर गोली निकाली जा रही है। पीड़ित घायल पुष्पेंद्र कनौजिया की पत्नी कंचन लता को अपने पति की जान का खतरा होने पर 2 महीने से लगातार बरेली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ जाकर प्रार्थना पत्र देती रही, सुरक्षा की गुहार लगाई, मगर पीड़ित परिवार की किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। इससे दबंगों के हौसले बुलंद होते गए। इसी का नतीजा निकला कि दबंगों ने गोली मार दी। जानकारी के अनुसार थाना सुभाष नगर क्षेत्र के गांव सिथौरा बजरंग दल के नेता अमित सिंह कनौजिया के पिता पुष्पेंद्र कनौजिया का प्लाट एवं रोड को लेकर 2 माह पहले हरेंद्र कनौजिया, कृष्णवीर सिंह, धीरेंद्र कनौजिया से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दबंगों ने पुष्पेंद्र की गोली मार दी। घायल पुष्पेंद्र कनौजिया की पत्नी कंचन लता ने थाना सुभाष नगर में हरेंद्र कनौजिया, कृष्णवीर सिंह, धीरेंद्र कनौजिया एवं अन्य 6 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। कंचन लता, क्या घटना हुई है? मेरे पति के गोली मार दी। किस किसने मारी है? धीरेंद्र, कृष्णवीर और हरेंद्र। कब मारी है गोली? खेत पे मारी है, समय में लिए, ठीक प्रकार से अभी मालूम नहीं है। मेरी तहरीर में लिख चुका है। थाने में तहरीर दे दी आपने? दे दी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। पहले भी झगड़ा हो चुका है। मैं लगातार अधिकारियों के चक्कर मां लगा रही हूँ और अपने बच्चों की और अपने पति की जान की सलामती मांगती घूम रही हूँ। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे लिए कोई सलामती, अपने बच्चों की कोई ही वो नहीं मिल पाई है। आज मेरे पति की गोली मार दी। नाम क्या है? अमित सिंह, मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक हूँ। क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई है, मैं घर पे आज खाना खाने गया था, मेरा प्लॉट बन रहा है तो वहाँ पे मिट्टी उठ रही थी, तो पापा मेरे खेत पे बैठ के मिट्टी उठवा रहे थे, तो वहीं पर ये गांव के दबंग व्यक्ति हैं जो धीरेंद्र, हरेंद्र, किशनवीर और इनके बहुत से साथी थे, इन्होंने जाके एकदम जान से मारने की मेरे पापा को कोशिश करी और उनके गोली मार, उन्होंने बचते बचने की कोशिश की तो उनका हाथ में गोली लग गई और उनकी हालत बहुत ही नाजुक है और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती हैं। और मैंने इसकी शिकायतें बहुत दिनों से, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था बहुत दिनों से, इसकी शिकायतें मैंने SSP साहब, DIG साहब, ADG साहब की जान को खतरा है, लेकिन कहीं भी कोई एक्शन नहीं था। मैं बहुत ही परेशान था। आज इन लोगों ने मेरे पापा की गोली मार दी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।